आकाशवाणी जम्मू ऐ हुन तुस विजय बजाज कोला खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें जम्मू कश्मीर च अज्ज आयोजित रोजगार मेले गी वर्चुअल तरीके कन्नै संबोधित कीता। इस मौके उनें गलाया जे अज्जै दा ध्याड़ा जम्मू कश्मीर दे युवाएं लई बड़ा महत्वपूर्ण है कि जे अज्जै दे दिन जम्मू कश्मीर च 20 बक्ख बक्ख थाहरें पर 3000 युवाएं गी सरकार च कम्म करने लई नियुक्ति पत्र सौंपे जा करदे न। मोदी होरें आखिया जे 21वीं सदी दा एह दाका जम्मू कश्मीर दे इतिहास च सभने शा महत्वपूर्ण दाका है। उन्हें खुशी जाहिर की जे जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास लई बड़ी मती गिनती च सामने आवा करते हैं। मोदी होरें आखिया जे जम्मू कश्मीर च जिस चाली ढांचागत सहूलतें का विकास हुआ करता है उसके कन्नै सैलसफा संबंधी ढांचा तगड़ा बना करता है। प्रधानमंत्री होरें सरकारी सेवाएं च जाकर दे नौजवानों की आखिया जे उह पारदर्शिता की सभने शा मती तरजीह देन। उन्हें भ्रष्टाचार की बीमारी की जड़ थमां खत्म करने लई जी जान करने मेहनत करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ते उनकी पूरी टीम की सराहना भी की है। उन्हें आख्या जी साड़ी सांझी जिम्मेदारी बनती है जे अस जम्मू कश्मीर की नवी ऊंचाइयों तक पहुंचाने लई किट्ठे रलिए जतन करचै। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या जे भारत अपने रिवायती तजुर्बे की अज्जै कल्लै दे विज्ञान कन्नै जोड़ा करता है तां गै साड़ा मुल्क अज्ज सौर ऊर्जा कन्नै बिजली बनाने वाले सभने शा वड्डे मुल्कें च शामिल हो गया है। आकाशवाणी पर अपने माहवार कार्यक्रम मन की बात दौरान बोलते हुए मोदी होरें आख्या जे सौर ऊर्जा कन्नै भारत च गरीबें ते मझाटले तबके के जीवन च खरी मती तब्दीलियां आवा करदियां। गुजरात च होई दियां राष्ट्रीय खेडें बारे बोलते हुए प्रधानमंत्री होरें आख्या जे अहमदाबाद च राष्ट्रीय खेडें दौरान जिस चाली कला खेड ते संस्कृति का संगम हुआ वह खुशी कन्नै भरी देने वाला है। उन्हें गलाया जे राष्ट्रीय खेडें जिस बारी 36 खेडें की शामिल किया गया जिंदे च 7 नवें ते 2 स्वदेशी मुकाबले योगासन ते मलखंभ भी शामिल हे। प्रधानमंत्री होरें देशवासियों की अपील की थी जे वह आउंदी 31 अक्तूबर की मनाए जाने वाले एकता दिवस के कार्यक्रमें च बधी चढ़ीयै हिस्सा लैन। इसे चाली उन्हें देशवासियों की आउंदी 15 नवंबर की मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस दियां भी शुभकामनां दित्तियां। भगवान बिरसा मुंडा होरें गी श्रद्धांजलि दिंदे होए मोदी होरें आख्या जे उन्हें लौकी जनेही उमरी च गै लखां बद्दे लोकें गी अंग्रेजी हुकूमत खिलाफ इकजुट करी दित्ता हा। अज्जै दे अपने मन की बात कार्यक्रम दौरान मोदी होरें बक्ख बक्ख राज्यें च पर्यावरण की राखी लई कीती जा करदी पहलकदमियें भी सांझा कीता। उन्हें आख्या जे मुल्क च ऐसे लोकें की कमी नहीं है जिहड़े पर्यावरण की राखी हिफाजत लई अपना पूरा जीवन खपाई दिंदे न। भारत के स्पेस सैक्टर बारे बोलते हुए प्रधानमंत्री होरें आख्या जे 42 दिन पहले 36 सैटेलाइटें की अंतरिक्ष च स्थापित करिए भारत ने सभने देशवासियों की एक बेहतरीन तोहफा दिता है। मोदी होरें देशवासियों की छठ ते गुरुपुरब दियां मुबारकां भी दित्तियां ने। सांबा जिले च अंतरराष्ट्रीय बन्ने पर जंदी राती संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखाया गया। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता मुजब सीमा सुरक्षा बल ने दसिया जे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन जंदी राती रामगढ़ सैक्टर च दिखाया गया जिदे मगरा पूरे इलाके के खंगालिया जा करता है। ध्यान योग है जे आतंकवादी गुट बन्ने वाले इलाके च ड्रोन राय हथियार असला ते नशीले पदार्थ इस पार पहुंचाने की फिराक च लगे रहंदे ने। किश्तवाड़ के द्रबशाला इलाके च एक बड़े बिजली प्रोजेक्ट वाली थार उपरोतली पस्सियां पौने करी एक पुलिसकर्मी ते एक इंजीनियर सने कुल 4 लोगों की मौत हो गई ते 9 और दुए जख्मी हो गए। पुलिस सूत्रे मुजब गुजर कोठां दा बसनीक मनोज कुमार द्रबशाला च 850 मैगावाट रेतले पन बिजली परियोजना वाली थार खुदाई करने वाली मशीन चला करता हा तां उहदी गड्डी चानचक पस्सियां हेठ आई गई ते मगरा मलबे हेठ गै मनोज कुमार ने दम भी त्रोड़ दिता। तकरीबन दर्जन भर लोगों का एक बचाव दल जिसले इस ड्राइवर का शव बाहर कढ़ने वास्ते उत्थे पुजा तां पहाड़े परा भी पस्सियां पईयां जिहदे करी उस सब्बे भी मलबे हेठ दबोई गए। इस बारे जानकारी थोने पर किश्तवाड़ पुलिस थाने थमां तुरंत एक टीम भी उत्थे भेजा गया जिन्हें बचाव अभियान शुरू किया। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर देवांश यादव ते SSP शफकत भट्ट भी मौके पर पुजे। प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर च राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें भी हादसे की खबर थोने मगरा डिप्टी कमिश्नर हुंदे ने फोन पर गल की। मलबे हेठा 9 लोगों की बचाईयै ठाठरी वाले समुदायक सेहत केंद्र भेजा गया जिथुआ 4 जने की माहिराना इलाज लई जिला अस्पताल टोडा रैफर कर दिता गया। मलबे हेठा 4 शव बरामद किए गए। तोई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें इस हादसे पर डूंगा दुख जताया। उन्हें जख्मियों के तौले नरोए होने की कामना भी की है। उन्हें एक जरूरी सूचना आकाशवाणी जम्मू के प्रादेशिक समाचार एकांश पासिया हर रोज बडलै 10:05 पर प्रसारित होने वाला राष्ट्रीय डोगरी खबरें का बुलेटिन हूँ 1 नवंबर 2022 थमां बडलै 8:30 शा 8:40 तक प्रसारित किया जा करेगा। इस चाली दोपहरी 12:30 प्रसारित होने वाला मिड डे डोगरी न्यूज़ बुलेटिन भी 1 नवंबर कोला दोपहरी 12:25 शा 12:30 तक प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही खबरें का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।